हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एरे के बारे में. ओके, तो एरे बेसिकली क्या होता है? एरे को समझने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करते हैं वेरिएबल के बारे में. सपोज दैट अगर कोई आपका वेरिएबल है इंट एक्स विच इज इक्वल टू 512. ओके, तो ये क्या आपका वेरिएबल जिसका नाम क्या है एक्स है, उसका डेटा टाइप क्या है इंटीजर और इसकी वैल्यू क्या है 512. तो पहले वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू उसको समझते हैं कि किस तरीके से ये मेमोरी में स्टोर होता है. तो बेसिकली जो मेमोरी में स्टोर होती वैल्यू, ये क्या आपकी डेसिमल वैल्यू, लेकिन मेमोरी में जब स्टोर होती है तो वो क्या होता है आपका बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है. तो अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो जो 512 क्या होता है 2 to the power 9. तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो क्या आएगा 10. ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 बिट ये होगा, यानी ये 8 बिट होगा और 1 2 3 4 1 2 3 4. ओके, ये आपका हो जाएगा इस तरीके से. यानी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो आपका इंटीजर है वो 2 बाइट्स का है. ओके, तो यानी इंटीजर यानी जो भी, अगर कोई भी एक वेरिएबल है उसका डेटा टाइप है ओके, वो क्या आपका इंटीजर, उसी के बेसिस पे डिफाइन होता है कि इसकी साइज यानी ये कितना मेमोरी अक्वायर करेगा, मेमोरी यानी मेमोरी स्पेस कितना कवर करेगा. तो डिपेंड करता है उसका डेटा टाइप क्या है. तो इंटीजर का हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इंटीजर जो होता है वो आपका 2 बाइट्स होता है. तो उससे चीज़ों को एक्सप्लेन करना थोड़ा ईजी होगा. वैसे इंटीजर नॉर्मली क्या होता है आपका 2 बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स का होता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे वर्क करें, यानी वो कंपाइलर टू कंपाइलर क्या होता है वेरी करता है. तो अगर हमें पता भी करना हो कि किसी भी, अगर सपोज दैट किसी भी डेटा टाइप का साइज़ क्या है, तो उसके लिए क्या होता है आपका एक ऑपरेटर होता है साइज ऑफ, और इसमें क्या करेंगे अगर लिख देंगे इंट. ओके, साइज ऑफ इंट लिखेंगे यानी प्रिंटर परसेंट डी साइज ऑफ इंट करके लिखेंगे, तो जिस प्लेटफॉर्म पे हम वर्क कर रहे हैं यानी जिस कंपाइलर के करस्पॉन्डिंग ये वर्क हो रहा था उसके करस्पॉन्डिंग उसकी क्या होगी आपकी मेमोरी बता देगा कि इंटीजर जो है 4 बाइट का या 2 बाइट का. लेकिन हम यहाँ जो एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि वो क्या है 2 बाइट. ओके, तो सिंपली क्या होगा आपका ये क्या होगा 2, यानी ये क्या है एक्स की वैल्यू कितनी है 512. तो क्या हो जाएगा एक्स, ये आपका रन टाइम एक मेमोरी जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा एक मेमोरी क्रिएट होगी, और सपोज दैट इसका एड्रेस कितना है 100 या 1000, ये आपका एड्रेस है. ओके, तो एज्यूम कर लेंगे एड्रेस जो है इसका 1000 और इस पर वैल्यू क्या स्टोर होगी 512. लेकिन ये एक्चुअली मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होगा, ये इस तरीके से होगा कि यानी ये आपका क्या होगा बाइनरी में कन्वर्ट होगा, और 512 की बाइनरी क्या होती है 10 फॉलोड बाई 8 times 0, और स्टार्टिंग में भी 0 लिख रहे हैं. ओके, तो ये आपका फर्स्ट बिट है और ये आपका सेकेंड बिट है. तो अगर इसको मेमोरी के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो ये इस तरीके से कुछ आएगा, यानी ये आपका क्या होगा सपोज दैट ये इसका एड्रेस है 100 और ये क्या हो जाएगा आपका 1001, और इससे करस्पॉन्डिंग इसका वेरिएबल का नाम क्या है वो क्या है आपका x. तो ये फर्स्ट जो आपका बाइट होगा वो क्या होगा ये सारी वैल्यू एक्वायर करेगा, और नेक्स्ट बाइट में क्या होगा सारे 0 हो जाएंगे. ओके, तो जो भी आपकी बाइनरी होगी यानी जो भी आपकी डेसिमल वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी में कन्वर्ट होकर मेमोरी में स्टोर होगा, वो 2 डिफरेंट तरीके से स्टोर होता है. तो अगर ये आपका फॉर्मेट है दैट मींस इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो फर्स्ट 8 बाइट है यानी जो एज इट इज इसकी बाइनरी वैल्यू आई है उसके फर्स्ट बिट को अगर उसके यानी फर्स्ट इंडेक्स यानी जो आपका एड्रेस है, तो क्योंकि ये फर्स्ट बाइट है ये सेकेंड बाइट है, तो इसका एड्रेस 1000 है और इसका एड्रेस क्या 1001. ओके, तो फर्स्ट अगर एड्रेस लोकेशन पर स्टोर हो रहा और बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यू सेकेंड लोकेशन पर स्टोर हो रही, तो इसको क्या कहते हैं बिग एंडियन. ओके, बिग एंडियन. लेकिन अगर इसी को जस्ट रिवर्स कर दें यानी जो आपका फर्स्ट इंडेक्स यानी इस पे यानी 1001 पे जो वैल्यू है, यानी इसको इस तरीके से अगर लिखें, यानी इसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सारी वैल्यूज अगर इधर जितने भी जीरोज हैं 8 times 0 ये है, 4 times 6 और 8 ये क्या आ गया आपका 1000 पे आ गया, यानी ये वैल्यू उठ के कहाँ आ गई यहाँ पे, और इधर वैल्यू कहाँ चलेगी इधर वाली वैल्यू जो है वो इधर चलेगी, क्या 6 times 0 एंड फॉलोड बाई 10, ये क्या आपका 1001. तो इसको क्या कहते हैं लिटिल इंडियन. ओके, अब आते हैं एरे पे. अब एरे पे आएंगे, सपोज दैट ये आपका एक सिंगल वैल्यू थी, सिंगल वैल्यू का मतलब एक्स की वैल्यू 512 है. लेकिन अगर हमें बहुत सारी वैल्यूज है, सपोज दैट आपका कर दिया हुआ एक्स विच इज इक्वल टू 512, वाई विच इज इक्वल टू सपोज दैट 100, जेड विच इज इक्वल टू सपोज दैट दिया 112. ओके, टी विच इज यानी ये सब क्या इंटीजर टाइप का, सपोज दैट ये इंटीजर टाइप का, सपोज दैट ये है क्या 94. तो अगर ये आपकी वैल्यू x इक्वल टू 512, y इक्वल टू 100 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज हैं,
तो अगर हमें चार वैल्यूज़ को स्टोर करनी है तो उसके लिए क्या होगा, फोर डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स लेने होंगे। और अगर हम देखें कि इन सबका डेटा टाइप क्या है, कॉमन है, ओके, यानी सबका डेटा टाइप सेम है, तो इसको हम कलेक्टिवली अगर एक साथ स्टोर करना चाहें तो उसके लिए हमें एरे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ओके। तो एरे क्या है बेसिकली, एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। ये क्या है आपका डेटा आइटम्स है, एक्स वाई जेड टी, ये सारे वेरिएबल्स हैं। तो ये क्या हो गया, डेटा आइटम्स ऑल ऑफ द सेम टाइप, ओके। इसका मतलब क्या है कि एरे जो होता है वो कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स है, और वो जो कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स होगा उसकी जो डेटा टाइप होगा वो सबका क्या होगा, सेम। यानी अगर आपका इंटीजर टाइप है, सारे वेरिएबल्स इंटीजर है, तो इनको कलेक्टिवली अगर एक साथ कहीं प्लेस करें मेमोरी पे, मेमोरी में अगर इसको कहीं प्लेस करें, तो उसी को क्या कहते हैं, एरे, एक्सेस्ड यूजिंग अ कॉमन नेम। तो अब देखते हैं कि एरे बेसिकली क्या है। आई थिंक ये थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है सिंपली कि ये समझने के लिए, ये आपका क्या बिग एंडियन और ये क्या आपका लिटिल एंडियन होगा, किस तरीके से अगर कोई एक वैल्यू उसको मेमोरी में किन किन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एरे का जो, एरे को किस तरीके से लिखते हैं, आपका सबसे पहला क्या होता है, डेटा टाइप, ओके, डेटा टाइप सिंटैक्स देख रहे हैं, डेटा टाइप, फिर क्या होगा आपका एरे नेम, एरे नेम, नेक्स्ट क्या होगा साइज, साइज फॉलोड बाय सेमी कॉलन, ओके। तो अगर किस इस तरीके से लिखें, इंट एरे नेम सपोज दैट कैपिटल ए, और साइज सपोज दैट हमने कोई भी एक साइज रख दी 6 फॉलोड बाय सेमी कॉलन। तो अगर सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो एरे को हम इस तरीके से जो है डिक्लेयर करते हैं। ये है एरे का डिक्लेरेशन। यहाँ सबसे पहला क्या आपका डेटा टाइप इंटीजर, और कैपिटल ए एरे नेम, और जो ये आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ इसको क्या कहते हैं, साइज ऑफ एन एरे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको हम रन करेंगे तो रन टाइम में इसकी जो मेमोरी क्रिएट होगी वो क्या होगा आपका, सिक्स स्लॉट क्रिएट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इसकी इसका एरे नेम क्या होगा आपका, कैपिटल ए। तो इसके इंडेक्सिंग भी होती है, ये आपका 0th इंडेक्स होता है, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड, फोर एंड फाइव, यानी 0 to 5 अगर इंडेक्सिंग क्रिएट हो रही है तो उस पर टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, 6। यानी अगर आपका एरे का साइज, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एरे की साइज़ जो होती है फिक्स होती है। खैर इसकी साइज़ और एंड ऑल के बारे में अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देखते हैं कि किस तरीके से एरे को हम जो है डिक्लेयर करते हैं अपने जब प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं। तो डिक्लेरेशन का सबसे जो बेसिक आइडिया है, यानी बेसिक तरीका होता है, वो इस तरीके से था, इंट ए ऑफ साइज लिख दिए जो भी एरे की साइज होगी। तो अब क्या होगा, एरे नेम के करस्पॉन्डिंग, अब देखते हैं इसका डेफिनेशन का, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। अब ये क्या है आपका, कलेक्टिवली एक साथ, और जो आपकी एरे होती है वो क्या होती है, कॉन्टिगुअस होती है, ओके। कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन होता है, इसका मतलब ये है कि जो आपका स्टार्टिंग एड्रेस, सपोज दैट अगर इसका स्टार्टिंग एड्रेस कितना है, 100, तो ये क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो इसका मतलब जो फर्स्ट आपका स्लॉट होगा, यानी फर्स्ट सेल होगा, वो कितने बाइट का होगा, 2 byte का, क्योंकि एरे सॉरी इंटीजर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये आपका क्या होगा, 2 byte का। तो नेक्स्ट एड्रेस क्या हो जाएगा, 102। एड्रेस हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपका 100 है, नेक्स्ट 102 है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, नेक्स्ट 104, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 106, 108 एंड 110, इस तरीके से। यानी फर्स्ट जो आपका सेल होगा, जैसे यहाँ क्या था आपका x और 512, तो हर एक यानी डेटा टाइप क्या था, इंटीजर, तो उसका क्या होगा, उसकी मेमोरी कितनी होगी आपकी, 2 byte। नेक्स्ट कितनी होगी, 2 bytes। तो इसका जो डिफरेंस आएगा, यानी 100, नेक्स्ट 102, सिंपली ये क्या है आपका, 100 है और 101 है, यानी ये दोनों बाइट इसी में, और स्टार्टिंग सिर्फ दिखा रहे हैं ये 103 एंड सो ऑन, इस तरीके से क्या आ जाएगा, 111। तो इस तरीके से रन टाइम में एरे की, यानी मेमोरी में एरे इस तरीके से क्रिएट होगी, और ये जो होगा आपका कॉन्टिगुअस होगा। अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे मेमोरी है, फॉर एग्जांपल इससे पहले भी बहुत सारी मेमोरीज हैं, यानी स्पेस है, तो कहीं एक पर्टिकुलर स्लॉट पे जहाँ मेमोरी अवेलेबल होगी वहाँ क्या करेगा, कॉन्टिगुअसली, यानी कॉन्टिन्यूअस का मतलब वन आफ्टर अनदर, कि अगर मान लो हम यहाँ हैं तो इसके बाद नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इस तरीके से जो होता है एरे का जो है वो एलोकेशन होता है मेमोरी में। तो अब ये देखते हैं कि किन किन, यानी क्या सिर्फ यही एक तरीका एरे को जो है डिक्लेयर करने का, नहीं, इसके बहुत सारे तरीके हैं। अब सपोज दैट अगर किसी ने इस तरीके से लिख दिया इन ए ऑफ सपोज दैट 6, और उसको क्या किया, इनिशियलाइज भी कर दिया, अगर वैल्यू भी उसकी इनिशियलाइज करना चाहें हम, जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू को भी इनिशियलाइज करते हैं। सपोज दैट अगर लिख दिया 1 2 3 4 5 6, तो मैक्सिमम कितनी वैल्यूज आ सकती हैं एरे में, 6, क्योंकि इसकी साइज़ क्या होती है, फिक्स। अगर एक बार हमने एरे की साइज़ को फिक्स कर दिया तो क्या होगी, एरे की साइज़ को हम रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते, ये एरे का ड्रॉबैक होता है। खैर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझते हैं कि एरे की साइज़ जो होती है वो फिक्स। अगर एरे की साइज़ 6 है तो यानी मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं, 6। तो अगर इस तरीके से लिख दिया इंट ए ऑफ 6 विच इज इक्वल टू दिस, तो रन टाइम में क्या होगा आपका, ये एरे क्रिएट हुआ, ये एरे नेम है, तो 1 2 3 4 5, तो इसकी वैल्यू क्या है,
1, 2, 3, 4, 5, 6. ये वैल्यूज आ जाएगी और इसकी इंडेक्सिंग क्या होती है, 0 से 1, 2, 3, 4, 5. इस तरीके से आ जाएगा रन टाइम पे. नेक्स्ट, अगर सपोज दैट किसी ने इस तरीके से लिख दिया इंट ए ऑफ 6 विच इज इक्वल टू 1 एंड 2 एंड 3, सिर्फ इतने लिए, फॉलोड बाय सेमी कॉलन है यहाँ पे. ओके, अगर इस तरीके से लिखा तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें एलोकेट हो सकते हैं, मिनिमम कुछ भी हो सकते हैं. यानी यहाँ अगर हम 1, 2, 3 लिखे तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम देखें रन टाइम में तो क्या होगा, इस तरीके से ये मेमोरी एलोकेट होगी और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यहाँ आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है. 0 टू 5 दैट मीन 6 स्लॉट. अब इसकी वैल्यू क्या, 1, 2, 3, तो क्या आ जाएगा 1, 2, 3. तो बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 इनिशियलाइज हो जाएंगे. अगर हमने, जब हम इसको जो है डिक्लेरेशन के टाइम पे अगर इसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर रहे हैं और कुछ वैल्यूज़ यानी मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, 6, तो अगर कुछ यानी सिंपली हमने कुछ वैल्यू को इसमें स्टोर किया तो बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0. ओके, अब सपोज दैट किसी ने इस तरीके से लिख दिया इंट ए ऑफ 6 विच इज इक्वल्स टू 0, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से लिख दिया. ओके, सिर्फ एक ही वैल्यू इनिशियलाइज करें, वो क्या आपका 0. तो रन टाइम ये किस तरीके से होगा, ए ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो सारी वैल्यूज क्या, ये यानी फर्स्ट इंडेक्स पे इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0. इंडेक्स पे इसकी वैल्यू 0 आएगी और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा. ओके, तो इस तरीके से हम इसका डिक्लेरेशन करते हैं. ओके, अब सपोज दैट किसी ने इस तरीके से लिख दिया, ये सारे डिक्लेरेशन ही है. ओके, यानी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम वैल्यूज़ को जो है एरे को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हैं. अब सपोज दैट किसी ने इस तरीके से लिखा इंट ए ऑफ, ओके, और यहाँ उसने कोई साइज मेंशन नहीं की और सिर्फ क्या किया इसने, इस तरीके से लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल. ओके, यहाँ इसने एरे की साइज़ को मेंशन अगर नहीं किया तो क्या ये आपका जो है प्रॉपर सिंटैक्स है, यानी ये क्या होगा, एग्जीक्यूशन के टाइम पर कोई एरर देगा या प्रॉपरली वर्क करेगा. तो ये अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो डिक्टो वही चीज़ आएगी, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी. यानी इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इसको इनिशियलाइज यानी डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब दूसरी चीज़ साइज़ को लेके, अगर किसी ने इस तरीके से लिख दिया इंट ए ऑफ 6, अभी तक हम देखते हैं अगर किसी ने लिख दिया 2 × 3, इस तरीके से अगर इसके अंदर एक एक्सप्रेशन लिख दिया 2 × 3, तो क्या ये वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा. ओके, तो अगर साइज के उस पर अगर किसी ने 6 लिखा है तो इसको क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड, यानी 2 × 3. अगर इस तरीके से भी लिखा है इंट ए ऑफ, सपोज दैट किसी ने लिख दिया 3+3, तो ये भी वर्क करेगा. ओके, और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इंट ए ऑफ अगर लिख दिया 60/10, ओके, तो ये भी वर्क करेगा. अब अगर किसी ने इस तरीके से लिख दिया, ये सारे तरीके हैं डिफरेंट, ये अब हम जो है अभी एरे का बेसिक्स देख रहे हैं कि एरे को किस तरीके से जो है डिक्लेयर करते हैं और इसकी वैल्यूज़ को किन किन तरीक़ों से इनिशियलाइज करते हैं. ओके, तो अगर किसी ने इस तरीके से लिख दिया इंट ए ऑफ, सपोज दैट लिख दिया उसने -6 फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से अगर किसी ने लिख दिया ए ऑफ -6, तो एरे की साइज़ कभी भी माइनस नहीं होगी, तो ये क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा. ओके, तो एरे की साइज़ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी. या अगर किसी ने इस तरीके से लिख दिया, यहाँ लिखते हैं इंट ए ऑफ फॉर एग्जाम्पल किसी लिख दिया 6.535, ओके, तो ये क्या आपका इसमें डेसिमल वैल्यू यानी यहाँ डॉट के बाद यानी फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आ रही, तो ये भी आपका वर्क नहीं करेगा. तो ओवरऑल कहने का मतलब अगर एक लाइन में कहा जाए तो एरे की साइज जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी पॉजिटिव इंटीजर होगा. ओके, पॉजिटिव इंटीजर, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी और कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी. तो ये था आई थिंक सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली कि किस तरीके से एरे को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं और डिक्लेरेशन के साथ किस तरीके से इन्हें. सपोज दैट अगर किसी ने इस तरीके से इसको डिक्लेयर किया, एक और चीज़ देख लेते हैं, तो कैसे इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके से लिखा इंट ए ऑफ 6, ओके, तो क्या होगा, रन टाइम पे इसकी एक मेमोरी एलोकेट होगी 0, 1, 2, 3, 4 और ये आपका क्या 5. तो सपोज दैट अगर इस पे क्या वैल्यूज़ होगी, इस पे कोई भी वैल्यू, ये जो आपके प्रीवियस वैल्यूज़ होगी किसी ने उस मेमोरी को यूज़ किया होगा, तो वहाँ जो वैल्यूज होगी उसको गार्बेज वैल्यू कहते हैं. ओके, अगर हमने सिर्फ क्या किया, एरे को इनिशियलाइज़ किया है, ओके, यानी यहाँ हमने क्या किया, एरे को सिर्फ डिक्लेयर कर दिया और वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ नहीं किया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ प्रीवियस वैल्यूज़ उस मेमोरी लोकेशन पे जो होगी वो वहाँ होगी, तो उन सारी वैल्यूज़ को क्या कहते हैं, गार्बेज वैल्यू, क्योंकि वो हमारे से रिलेटेड नहीं है.
अब हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, वैल्यूज को अगर सपोज दैट पुट करना है रन टाइम में, तो क्या करेंगे, सिंपली ए ऑफ अगर हमने जीरो लिख दिया विच इज इक्वल टू सपोज दैट वन, ओके, तो सिंपली क्या होगा, ए क्या आपका एरे नेम, जीरो एथ यानी जीरो का मतलब जीरो एथ इंडेक्स, तो इसकी जो वैल्यू होगी वन क्या होगी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ओके। सपोज फर्स्ट इंडेक्स में हमें कोई वैल्यू रखनी ए ऑफ वन विच इज इक्वल टू सपोज दैट टू, तो सिंपली क्या होगा, इस पे आएगी और ये वैल्यू आ जाएगी एंड सो ऑन। तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट, अगर हमें ए ऑफ फॉर एग्जाम्पल टू पे लिखना है तो क्या आ जाएगा थ्री, ओके। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं कि एरेस को यहाँ हमने क्या किया, डिक्लेयर किया और वन बाय वन क्या करेंगे सारी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर देंगे। लेकिन अगर हमें कलेक्टिवली एक साथ सारी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करना है तो क्या करेंगे, सिंपली एक लूप लगा देंगे। किस तरीके से लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका लूप क्या है, फॉर सपोज अगर हमने फॉर लूप लगाया आई इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जहाँ इंडेक्सिंग जहाँ से स्टार्ट होगी वहीं से लूप स्टार्ट करेंगे, ओके। और आई इज़ लेस देन क्या है, साइज़ कितनी है सिक्स, तो स्ट्रिक्टली लेस देन सिक्स दैट मीन जीरो टू फाइव तक ये लूप चलेगा। और आई प्लस प्लस लिख दिए, ओके। अब लूप की बॉडी में क्या लिख देंगे, scanf परसेंट डी कॉमा, ओके, क्या होता है एम परसेंट ए ऑफ आई। इस तरीके एरे की वैल्यू क्या, सॉरी आई की वैल्यू क्या, जीरो, यहाँ है परसेंट डी ए ऑफ जीरो, यानी इसका मतलब ए ऑफ जीरो के एड्रेस, यानी ए ऑफ जीरो का मतलब क्या है, एरे नेम से, क्योंकि देखो ये सारी वैल्यू यहाँ जो लास्ट वाली लाइन है एक्सेस्ड यूजिंग अ कॉमन नेम, तो इस पूरे एरे को हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे उसके नेम से, यानी ए ऑफ जीरो का मतलब फर्स्ट स्लॉट, ए ऑफ वन का मतलब सेकंड स्लॉट, ए ऑफ टू का मतलब थर्ड स्लॉट और ए ऑफ थ्री का मतलब नेक्स्ट स्लॉट। इस तरीके से हम एरे को एक्सेस करते हैं। तो अगर हमें इसकी आई की वैल्यू जीरो यहाँ आएंगे, कंडीशन ट्रू हुआ तो आया ए ऑफ जीरो, तो जीरो पे जो भी वैल्यू हमें इनिशलाइज करनी है उसको क्या करेंगे वहाँ सबसे, जैसे यहाँ ए ऑफ जीरो था वन टू थ्री एंड सो ऑन, इस तरीके से क्या करेंगे जो है रन टाइम पे उसकी वैल्यूज़ को हम स्टोर कर देंगे। अब हमने क्या किया, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ स्टोर कर दी। अब सपोज दैट हमें एक्सेस करना है तो सिंपली क्या करेंगे, सपोज दैट हमें ए ऑफ थ्री एक्सेस करना है तो ए ऑफ थ्री की वैल्यू क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, ओके, परसेंट डी कॉमा ए ऑफ थ्री, ओके। तो अगर इस तरीके से कोई हम स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट एफ परसेंट डी ए ऑफ थ्री, तो सिंपली ए ऑफ थ्री क्या है आपका फोर, तो इस पर क्या होगा आपका फोर प्रिंट होगा, ये तो हो गया ए ऑफ थ्री। लेकिन अगर हमें सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, ओके, तो सिंपली क्या करेंगे फॉर लूप लगाएंगे और यहाँ क्या करेंगे प्रिंट एफ परसेंट डी ए ऑफ आई, ओके, ये लूप चला देंगे तो आई की वैल्यू जीरो, ए ऑफ जीरो वन प्रिंट हो गया, ए ऑफ वन टू प्रिंट हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये जो एक तरीका है आपका, इस तरीके से भी कर सकते हैं ए ऑफ आई, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं आई ऑफ ए, यानी एरे नेम और इंडेक्स को क्या कर सकते हैं, ये क्या होता है आपका इंडेक्स, इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए प्लस आई स्टार, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं पॉइंटर अर्थमेटिक। तो इस तरीके से भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, इस तरीके से भी वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं, और ये तीनों चीज़ें सेम ही है, ये ए ऑफ आई हो या आई ऑफ ए हो या ए प्लस आई का होल स्टार, यानी ब्रैकेट पूरे में और स्टार बाहर है, उससे क्या होगी सारी वैल्यूज जो है वो आपकी एक्सेस हो जाएगी। तो ये था बेसिकली आपका एरे का जो है बेसिक, किस तरीके से एरे को हम जो है डिक्लेरेशन किस तरीके से होता है और उसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किस तरीके से करते हैं और उसको एक्सेस किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें थी इसकी बेसिक्स के बारे में।